डिविजन है। आज हमारे पास दो गाड़ी, आज तो अपन नॉर्मल से कंपैरिजन कर रहा है, एक है अपने पास प्लेटिन, एक है अपने पास सिटी। सिटी 125X का कंपैरिजन हो चुका है, आप वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। खैर अपने पास दो गाड़ी है, एक सिटी की 110, एक प्लेटिना की 110। तो इन दोनों गाड़ियों में कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि ये फेयर कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि बजाज की गाड़ियां हैं, 110 सीसी की गाड़ियां हैं, तो कंपैरिजन तो बनता ही बनता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन प्लेटिना से स्टार्ट करते हो ना, तो प्लेटिना में सबसे पहले अपन यहाँ स्टार्ट कर दो इस बार, चलो डैशबोर्ड से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे देखो 120 तक स्पीड मिलने वाली है, फ्यूल मीटर मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट और इंडिकेटर्स वगैरह के स्विच मिलने वाले, लेकिन इसमें एक तगड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि इसमें आने वाला है एक आपको डिजिटल मीटर। और डिजिटल मीटर के बारे में आपको जानकारी होगी, अकेले थोड़ा सा स्पीड भाई आपको वही मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें आपको डिजिटली ही दिखाई देंगी, गियर्स, टाइम वगैरह, ट्रिप वगैरह। तो इसमें थोड़े से आपको पैसे बढ़ सकते हैं, बाकी वो चीज़ आपको सेम मिलने वाली। यहाँ पे आप देखो ना, लाइट के कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का कंट्रोल मिलने वाला है, अपर डिपर का, इंडिकेटर्स का, हॉर्न वगैरह इसमें आपको कम्प्लीटली मिलने वाले हैं। और प्लेटिना के बहुत सारे कलर आप आते ही आपको पता ही होगा। वहीं अगर अपन सिटी की तरफ जाएं ना, तो सिटी में जैसे 125 लॉन्च हुई है वो तो हुई है, बाकी अगर अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी बिल्कुल प्लेटिना जैसे सेम सेटअप ही मिलने वाला है, इसमें आपको कोई भी अंतर नहीं मिला। 120 तक स्पीड, फ्यूल मीटर, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल का स्विच, इंडिकेटर्स के स्विच, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। टायर की बात करें तो 8017 यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलने वाले, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन मिलने वाले, इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन मिलने वाले, लेकिन अंतर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो खुला खुला सा लग रहा होगा कुछ, लेकिन यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे सॉफ्ट वाली रबर का इस्तेमाल किया गया है, ताकि थोड़ी सी अच्छी लगे गाड़ी, तो ये देखने में डिसेंट से ही लगते हैं, काफी बुरे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं देखने में। बाकी इंजन की बात करें तो 110 सीसी का इंजन आने वाला है, इसमें भी 110 सीसी का ही इंजन आने वाला है। बाकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें देखो 5 गियर आने वाले हैं, 4 गियर एक एच गियर के रूप में आने वाला है, जबकि इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें आपको 4 गियर ही ऑफर करेगी। बाकी इसका एडवांटेज की बात करें तो ये थोड़े देखो इसका फ्रेम आप देखो ना, तो सिटी 125 और सिटी 110 इसका लगभग फ्रेम एक जैसा ही है, तो हमें यहाँ से दिखाई नहीं रहा। आपको देखो फ्रेम देखो कितना मस्कुलर, कितना मतलब बड़ा फ्रेम लगता है। यहाँ पे भी जो लोहे वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी हैवी इस्तेमाल किया गया है, और गाड़ी वाकई में भारी है। यहाँ पे भी देखो सेम इस्तेमाल ही इसमें भी किया गया है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अगर अपन प्लेटिना की अपन बात करें ना, तो थोड़ा आपको देखो लोहे की थोड़ी सी कमी लगेगी, बाकी मजबूत तो ये गाड़ी भी है एक चीज़ और, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरे अंतर की बात करें तो इसमें आपको ऑयल सस्पेंशन मिलने वाला है, जबकि इसमें आपको नॉर्मल वाले सस्पेंशन ही मिलने वाले हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हो। बाकी सीट लेंथ की बात करें तो अपनी प्लेटिना थोड़ी सी लंबी ज़्यादा सीट लेंथ देने वाली है। बाकी यहाँ पे कुशनिंग की बात करें अगर अपन, तो कुशनिंग तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने वाली है, और यहाँ पर थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट लगाया गया है, टंकी है, ढक्कन थोड़ा पुराना ही मिलने वाला है। साथ में इसमें आपको विंड गार्ड भी मिलने वाले हैं, और सबसे दूसरी चीज़ की अगर अपन बात करें ना, तो इसमें आपको कोई भी विंड गार्ड नहीं मिलने वाले हैं। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि आप एक गाड़ी में दे रहे हो, एक गाड़ी में नहीं दे रहे हो, तो देना चाहिए, ठीक है। दोनों गाड़ियों में आप चाहे तो अलग से लगवा सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लग जाते वो तो, ठीक है। और दूसरी सबसे मेन बात करें ना, तो ऐसे कि आप इंडिकेटर नहीं टूटेगा यार, कितने ही कोशिश कर लो नहीं टूटने वाला, क्योंकि इसमें मिलने वाले हैं आपको फ्लेक्सीबल इंडिकेटर। कोई भी गाड़ी में नहीं आते इतने ज़्यादा फ्लेक्सीबल, कैसे भी मोड़ लो, कैसे भी तोड़ लो, ये नहीं टूटने वाले। ये वाली बात सबसे अच्छी लगी गाड़ी में। साथ में यहाँ पे देखो हैंडल वेट को बढ़ाने के लिए, देखो हैंडल वेट को इसके हैंडल वेट को बढ़ाया गया है, ये देखो इसके हैंडल वेट को नॉर्मल रखा गया है, लेकिन फिर भी मजबूती देने के लिए देखो कितनी ज़्यादा रॉड का प्रयोग किया गया है। बाकी अगर अपन इसकी बात करें जहाँ तक, जिसमें आपको देखो क्रोम फिनिश में, सिल्वर फिनिश में ही हैंडल मिलने वाला है। बाकी साइलेंसर देखो मैट ब्लैक है, साथ में ऊपर से सिल्वर का इस्तेमाल किया है, गोल्डन कलर के सस्पेंशन मिलने वाले, बैक टायर लगभग एक जैसा ही मिलने वाला है। बाकी अगर अपन सिटी 110 की बात करें तो फ्रंट और बैक टायर दोनों लगभग एक जैसे ही मिलने वाले, इसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन कर्व वेट की बात करें तो इसका कर्व वेट इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इसका कर्व वेट ज़्यादा है, ये ज़्यादा आपको रोड पकड़ के चलेगी, और देखो फ्रेम इतनी ज़्यादा मजबूती है, तो भाई साहब आप अंदाज लगा सकते हो, तो इस गाड़ी से तो मजबूत है। साथ में अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो इसकी प्राइस रेंज थोड़ी सी कम होने वाली है, थोड़े से ज़्यादा प्राइस में, ये थोड़ी सी कम प्राइस में, तो आप अंदाज लगा सकते हो। बाकी अगर बाकी तो और कोई फीचर्स है भी नहीं है, बाकी इसमें एक डिजिटल मीटर वाला फीचर्स आता है, तो इसमें प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी नॉर्मल फीचर्स के साथ में सिटी 110X बेस्ट गाड़ी है इस वाले सेगमेंट की। तो भाई साहब ये हो गया
कंपेरिजन। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।